में आप सभी का स्वागत है। आज मैं खड़ा हूं बबीना विधानसभा के ऐसे ग्राम के अंदर जिस ग्राम का नाम है रामपुरा। साथियों, रामपुरा के अंदर मैंने जैसे ही एंट्री की इस ग्राम के अंदर, सर्वप्रथम मुझे मिला है एक स्कूल, सरकारी स्कूल, जो आप स्कूल सभी देख सकते हो सामने, प्राथमिक विद्यालय रामपुरा, ब्लॉक बड़ागांव, जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश के नाम से ये स्कूल स्थित है इस ग्राम रामपुरा के अंदर। साथियों, इस रामपुरा के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये नज़र आ रही है मुझे कि स्कूल तो बहुत अच्छा बना हुआ है। साथियों, यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए स्कूल, साथियों रामपुरा ग्राम के अंदर स्कूल के जस्ट बगल में एक सबसे बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है। इस गड्ढे के अंदर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर आसपास अगर निकलेगा तो इस गड्ढे के अंदर देख सकते हो इस गड्ढा कितना गहरा है, जो कि देख सकते हो इस गड्ढे के अंदर कोई बच्चा गिर गया तो बगैर चोट लगे बाहर नहीं आ सकता। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, इस स्कूल के अंदर खासियत ये है, मैं आपको दाएं हाथ पे ले चलता हूँ, दाएं हाथ पे आप देख सकते हो भूकंप रोधी कक्ष, ये कक्ष बना हुआ है। साथियों, इस कक्ष के अंदर तब आवश्यकता होती है स्कूल के बच्चों के लिए, तब जब जब स्कूल की बच्चों की संख्या अधिक हो, अगर स्कूल के बच्चों की संख्या अधिक है तब उस बच्चों को इस क्लास के अंदर एंट्री की जाती है। साथियों, इस स्कूल के अंदर बच्चे तो वैसे ही कम है। साथियों, इसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर विद्युत विभाग के कर्मचारियों को रोकने के लिए व्यवस्था दे रखी है, यहाँ के स्कूल के प्रबंधक जी कह लीजिए या पर प्रधान जी कह लीजिए या पर माननीय बबीना विधायक राजीव पारीचा कह लीजिए। स्कूल के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरीके से बिस्तर विद्युत विभाग के लगे हुए हैं। साथियों, ये भूकंप रतरोधी ये कक्ष है, जो कि देख सकते हो इस रूम के अंदर जहाँ पर बच्चों की आवश्यकता है बैठने पढ़ने की, उसी स्थान पर ये जो कमरे के बिस्तर आप देख रहे हो ये विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लिए यहाँ स्थायी रूप से दे रखा है काफ़ी दिनों से। साथियों, सभी देख सकते हो ये बच्चों की क्लास के लिए, शिक्षा के लिए रूम बना हुआ है। आइए और भी मैं ले चलता हूँ, बाहर का दृश्य एक बार और दिखाता हूँ। मेरे सामने अध्यापक भी मौजूद है, उनसे भी मैं आप सभी से बात करूँगा, उनका क्या कहना है इसके बारे में। साथियों, ये जो गाड़ी देख रहा हो भूकंप रोधी कक्ष के जस्ट बगल में खड़ी है, यह गाड़ी विद्युत विभाग के कार्यक्रम के लिए यहाँ स्थायी रूप से इस कार्यक्रम के लिए कार्य किया जाता है। ये गाड़ी ट्रैक्टर देख सकते हो, इससे विद्युत विभाग के कार्य काम करते हैं। साथियों, उसके दाहिने हाथ पे देख सकते हो मेरे बीच में यहाँ पर बच्चों के लिए खाने के लिए व्यवस्थित रूम यहाँ स्थायी रूप से बना हुआ है। यहाँ पर सभी देख सकते हो सोमवार को रोटी सब्जी, मंगलवार को दाल चावल, वॉट ओवर। साथियों, दाहिने साइड में आपको ले चलता हूँ, यहाँ पर बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था है, बट झूलों की स्थिति आप खुद स्वयं देख सकते हो किस तरीके से झूलों की व्यवस्थाएं खराब पड़ी हुई हैं। साथियों, अगली आवाज में आप सबको ले चलता हूं यहां के अध्यापक जी से कि उनका कहना है क्या इस व्यवस्थाओं को लेकर। नमस्कार मैम, इस स्कूल के अंदर आप अध्यापक हो? जी सर। मैम जी, ये व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं आपके सामने ही, जो आपके बच्चों के लिए इस क्लास की व्यवस्थाओं को होना चाहिए वहीं पर देखा जाए, विद्युत विभाग के कर्मचारी रुका करते, इसके बारे में क्या क्या ख्याल है आपका? सर, ये सब प्रधान जी ने बोला है करने के लिए, और मतलब हेडमास्टर सर जाने, हम तो सर सहायक हैं। प्रधान जी ने क्या बोला है सर? पता नहीं, अब जो भी बात हुई हो, लेकिन हम लोग तो अध्यापक हैं तो हम लोग को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, हेडमास्टर सर को पता है। अच्छा, ये गड्ढा मैम जो खड़ा खुदा हुआ है, इसका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये गड्ढा, ये गंदा पानी, कौन सा पानी? स्कूल की छत का पानी रोकने के लिए। सर नमस्कार, जो ये गड्ढा है, ये छत का पानी जो आता है वो सोकन गड्ढा है, इसको बनाया गया था सर। वो पूर्ण रूप से देखा जाए गड्ढा पूरा स्थायी रूप से गड्ढा गड्ढा ही है वो, लेकिन वो कारण क्या है कि कुछ दिनों से ऐसे ही खाली टूटा हुआ पड़ा हुआ है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। प्रधान जी को भी बोला है, जैसे अभी काम चला तो उनको इसको सही व्यवस्थित करा देना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। सर एक सवाल मेरा और है, सबसे बड़ी आपके यहाँ समस्या नज़र आ रही है, जो आपका भूकंप रोधी कक्ष बना हुआ है, उस कक्ष के अंदर जहाँ पर बच्चों की आवश्यकता के लिए शिक्षा से संबंधित पढ़ाई होना चाहिए, वहाँ पर आखिरकार विद्युत विभाग के कर्मचारी सो रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसके बारे में सर ये है कि जैसे अब हम लोगों के अंडर में तो है, लेकिन मैन इसके जो विद्यालय के इंचार्ज होते हैं वो हेडमास्टर होते हैं या प्रधान जी, अब उन्हीं के अंदर से जो काम चल रहा है लाइन का, तो उन्हीं लोगों ने रोक रखा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सही, धन्यवाद। बाउंड्री के साथियों, ये है रामपुरा बबीना विधानसभा का ग्राम का स्कूल, प्राथमिक स्कूल, जो कि आप सभी ने, मैंने आप सभी को दिखाया स्कूल की व्यवस्थाएं, स्कूल के गड्ढे भी दिखाए, और जो रूम मैंने सबसे बड़ी दिखाई कि जिस रूम के अंदर बच्चों के लिए शिक्षा के लिए रुके पढ़ाई होना चाहिए, उस क्लास के अंदर विद्युत विभाग के कर्मचारी सो रहे हैं। साथियों, मैम मैडम का भी कहना यही है कि प्रधान जी की
उन्हीं से ही ये रूम के अंदर विद्युत विभाग के कर्मचारी रुक रहे हैं। कैमरा मैन संतोष रोहत के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद, झांसी।